देख के बंदा एक दफा तो हिल जाता है कि यार ये चांद क्या है, ये माइक्रोस्कोप है अपना। चाबी दे के छोड़ दे और ये चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, ये बनाना शुरू कर दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम एंड हैव अ ग्रेट डे। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी शुक्र अल्लाह का बेहतरीन जबरदस्त। हाँ जी, तो ये है नगोया सिटी का साइंस म्यूजियम। यहाँ पे आपको बहुत सारी आज मैं इंटरेस्टिंग चीजें दिखाऊंगा, जिनमें से सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है ये स्पेस शटल। इसके अंदर से भी मैं आपको चेक करूंगा क्योंकि मैंने भी पहले कभी नहीं देखा हुआ। हाँ जी, इस रॉकेट का नाम है H2B और ये प्योर मेड इन जापान है। अंदर भी सारी इसकी जो है ना वो डिस्कवरीज के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो रहते हैं। इसके पीछे ये देखिए कितना बड़ा इसका साइज़ है। मेरी हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा, अमेजिंग साइज़ है इसका। ये वाला एरिया जो है ना इसका बंद होता है, ये वाला पार्ट और ये इधर, ये जो है ना यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये दोनों इस तरह से जुड़ते हैं। तो फिर ये इनके अंदर भी जो है ना वो इसकी मशीनरी वगैरह और इनके जो इसके अंदर जो है ना वो साइंटिस्ट रहते हैं। जब वो खला में जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं, तो इसके अंदर उनका जो है ना वो सारा तरह से इसके अंदर ये काम करते हैं, अपना डिस्कवरीज करते हैं जो भी। ये इसके अंदर वाला एरिया इस तरह का होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी जो है ना ये वाला तो एरिया जो है ना हमने अभी देख लिया है। अभी हमने जाना है इसके अंदर। वो आपको ये जो राउंड सा नज़र आ रहा है ना ये बना हुआ, इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगती है। इसके अंदर वो 3D का ना आपको वर्ल्ड का एक 4D सिनेमा में मूवी अगर आपने देखी हो तो वो सीट ऐसे हिलती है और स्पेस में आप जाते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है स्पेस का। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। इसके ऊपर जाने के लिए आपको 800 येन की टिकट लगती है। टिकट लेके फिर हम ऊपर जाएंगे। टिकट वगैरह का सीन करते हैं ऑन, तो ये देख लें अभी अंदर आ गए हैं, यहाँ से टिकट्स लेते हैं। अच्छा, मैं 4-5 साल से इस सिटी के अंदर रह रहा हूँ और मैं आज तक इधर आ नहीं सका। आज मेरा यानी कि अचानक से मूड बना कि यार आज इधर आके साइंस म्यूजियम को थोड़ा डिस्कवर करते हैं। मेरा तो दिमाग घूम हो गया, अनबिलीवेबली इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यार ये है स्पेस शटल के अंदर जो इंजन होता है ना, ये देखिए इसके टर्बो देखे कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। इसके अंदर जो फ्यूल है वो बर्न होता है, आग इस तरह से नीचे से निकलती है और ये ऊपर की तरफ प्रेशर से जाता है। अच्छा, ये देखिए ये इसका ना एग्जांपल बना हुआ है, ये स्पेस शटल होता है इस तरह का और यहाँ पर नीचे इसका इंजन ये वाला फिट होता है। और इसका साइज़ चेक करें कितना बड़ा यार, ये मैं चारों तरफ से अब देख रहा हूँ इसमें कितने टर्बो लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं ये किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है और किस तरह से ये बना हुआ है। ये अभी मैं इसको चारों तरफ से घुमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका वॉक अराउंड करके। ये देखिए इसका एक बहुत जॉइंट किस्म का बड़ा टर्बो ये लगा हुआ है। इसी तरह से इसका एक और जो बड़ा टर्बो है ना वो इस साइड पे भी लगा हुआ है। ये देखें यार ये क्या बला है कसम से, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये देखा है। जी ये अभी हम म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे ये लाइब्रेरी है, आप फ्री बुक्स पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपने टाइम को। और अभी हम जाएंगे ऊपर। यार ये बिल्डिंग का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसको इन्होंने सारा जो है ना वो बनाया हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ। सब ये लोहे की बनी हुई बिल्डिंग है और देखिए कितनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आपको फील होती है इसके अंदर। ये सब लोहे का बना हुआ है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे वो देखें ना वो अपना शॉक जो होते हैं वो पंप वगैरह,
ये देखिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा जो है ना ये लोहे का बना हुआ है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये भी ये सारा जो है ना इधर साइंस और टेक्नोलॉजी की ये सारी चीज़ें हैं इधर। ये इस तरह के म्यूज़ियम होने चाहिए हर कंट्री के अंदर। कितना दिमाग खुलता है, बच्चे जब इधर आते हैं नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। ये मेरा हाथ है ना, अभी देखें ये अंदर चला गया, ये सारा जो है ना वो उसको किया हुआ है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है प्रिज्म के अंदर। यहाँ पे ये वाले बटन पर अगर प्रेस करेंगे ना तो ये देखिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है ना ये बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है, किस तरह से मैग्नेट जो है वो अपना करता है। यहाँ पे भी ये देखें बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, बच्चे मतलब कि कितना दिमाग खुलता है यार बच्चों का, कि जब वो इस तरह की साइंटिफिक चीज़ें देखते हैं और इन चीज़ों से मतलब कि इस तरह के जो वो करते हैं एक्सपीरियंसेस, तो बंदा जो है ना वो गुम हो जाता है, यार ये मैं किधर आ गया हूँ। वो बॉल जो है वो पानी के ऊपर ऊपर फिर रही है। अच्छा वो भाई जो है ना वो इसको घुमा रहा है और वो जो है ना वो घूम रहा है। यहाँ से इसका जो कनेक्शन है ना वो पानी का, ये जो पाइप लगा हुआ है ना ये पाइप से वो ऊपर जा रहा है और वो घूम रहा है, वो सारा वो पानी के प्रेशर से चल रहा है। ये देखिए बच्चे जो हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं, वो देखो वो बुलबुले निकाल रहा है। यार अमेजिंग, ठीक है ये देखें वो नीचे से हवा का प्रेशर आ रहा है, यहाँ से हवा आ रही है और ये इसके ऊपर जो है ना वो तैर रहे हैं। ये मिरर का सीन चेक करें, इसके अंदर ये आपका भाई तीन हो गए, एक दो तीन। ये देखें किस तरह से इसकी जो डायमेंशन है, और यहाँ पे ये जो मिरर है ना इसके दूसरी साइड पे भी नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से इनकी डायमेंशन जो है ना वो खड़ी की हुई है, पता नहीं किस तरह से। मैं नज़दीक लेके जा रहा हूँ, ये देखें ये इनके अंदर से आप जो है ना वो दूसरी तरह देख सकते हैं। ये पता नहीं वो क्या रूल था एक, जो मिरर के इफ़ेक्ट्स वगैरह होते थे रिफ्लेक्शन वगैरह और इस तरह का कोई था ना वो फिज़िक्स के अंदर, तो ये सारा वो है इसके अंदर जो है ना ये फिज़िक्स से भरा हुआ है। ये सारी जितनी भी आपको नज़र आ रही ना चीज़ें ये सारी फिज़िक्स से रिलेट कर रही हैं। ये देखें बच्चे इधर कितना इंजॉय कर रहे हैं यार, जब इस तरह के म्यूज़ियम वगैरह और इस तरह के होंगे ना तो बच्चे कितना मतलब कि वो सीखने को मिलेगा इनको, और कितना शौक पैदा होगा कि इन्होंने भी साइंटिस्ट बनना है आगे आगे जा के फ्यूचर। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये साउंड की निकलता है, यहाँ पे ये बने हुए ना इसके, इस पर ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ से लीवर को घुमाएंगे। यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए कितना पावरफुल मैग्नेट है। इसको मैं इधर से छोड़ूंगा जाके वो चल रही है, ये देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर। ये देखिए बुलबुले निकाल रहा है अपना साइंटिस्ट, हम चलते हैं एक दूसरे सेक्शन के अंदर। ये तो फिज़िक्स वाला सेक्शन था ना, अभी हम जा रहे हैं इधर थोड़ा बायो के सेक्शन में आते हैं। यार ये देखें अमेजिंग, यानी कि हमारे से पहले दुनिया किस तरह स्टार्ट हुई, ये देखें दुनिया का जो सर्कल है कितना, यार रोक्सन रुपया कुन मान नैन माए। हाँ जी ये आप देख रहे हैं 6,60,00,000 साल पहले का ये जो सर्कल है स्टार्ट हुआ था, ये उसकी प्रिडिक्शन की गई है।
ये इसकी जो अपना बनी हुई है ये ड्राइंग, कैसे इंसान ने मतलब कि वो की शुरुआत, और ये देखिए इस तरह से होती फिर इधर आई, ये देखिए लकड़ी अपना पहाड़, और ये इस तरह से फिर जो इंसान की जो थी वो एवोल्यूशन, दी को एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड अर्थ। ये है सारा जैपनीज़ के अंदर। मेरी जैपनीज़ जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ लेता हूँ और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहता हूँ। ये देखें ये किस तरह से एवोल्यूशन हुई इंसान की। और ये जो पत्थर है ना ये बड़े यूनिक पत्थर है, आम नहीं है, ये सारे बड़े पुराने हैं। और ये देखें जाइंट डायनासोर, ये वो टी रेक्स का इन्होंने बनाया हुआ ढांचा। और कितने यार ये जाइंट थे इंसान, देखें ना ये अपना टी रेक्स जो थे कितने बड़े थे यार। इस तरह के कोई म्यूज़ियम वगैरह होने चाहिए हमारी कंट्री के अंदर भी, कोई बंदा जो है ना बच्चे सीखें, उनके अंदर शौक़ पैदा हो साइंटिस्ट बनने का, डिस्कवरीज करने का, मुल्क का नाम रोशन करने का। अब ये देखें ये क्या बला चीज़ बनी हुई है। अब हम इधर इसका थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी जो है ना ये देखें ना ये पत्थर जो है, ये लकड़ी है मेरे ख्याल में कोई, यार मुझे तो इतना वो जियोग्राफिक वगैरह का पता नहीं है, बस मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ साथ साथ आप इंजॉय करते जाएँ। ये अब देख लें ये इसके अंदर है, पत्थर के अंदर है ये सारा, ये इनके अंदर देखे। अच्छा ये देखें इधर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आइसक्रीम वाली भी वेंडिंग मशीन है, और यहाँ पे बिस्किट वगैरह है और कुछ चॉकलेट्स वगैरह की वेंडिंग मशीन है। तो इसको अब ख़रीदने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये इसके अंदर कॉइन डालें, 110 कॉइन की, ये हमने किट कैट लेनी है। तो किट कैट का नंबर कितना है, 14, 14, और ब्लू कर दें, और ये आपकी किट कैट आ रही है बाहर। चल भाई आ जा, ये आ गई। यहाँ से आपने क्या करना है, ये हाथ डाल के अपनी किट कैट निकाल लेनी, मेरी वॉच फंस गई। ये देखें जी ये देखें, वो डीएनए की कोई तरतीब वगैरह जो होती है साइंस का, यार ये क्या जगह है यार, कसम से अमेजिंग। हर फ्लोर पे जो है ना वो आपको डिफरेंट अपना साइंस से रिलेटेड जो है ना चीज़ें मिलेंगी, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो हर चीज़ जो है ना वो इधर आपको देखने को मिलेगी, और बंदा हैरान हो जाता है यार। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है। ये देखें ये मैकेनिक्स आ गया, ये आ गया गाड़ी का इंजन, ये देखें इंजन पड़ा हुआ इधर, ये मोटरसाइकिल का इंजन है इधर सुजुकी का, पूरी की पूरी साइकिल जो है ना ये कार्बन फाइबर की बनी हुई है, ये देखें अमेजिंग ब्यूटीफुल।
अच्छा अभी हम आ गए हैं ये स्पेस वाले सेक्शन के अंदर। ये आपको सामने सैटेलाइट नज़र आ रहा होगा, ये एक सैटेलाइट का सैंपल पड़ा हुआ है। इसके अंदर आप देखें ये इसका डिज़ाइन है कि ये किस तरह से साइंटिस्ट काम करते हैं सैटेलाइट के ऊपर। और ये स्पेस के अंदर रहता है। ये ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये वही सैटेलाइट का ही कुछ पार्ट है। अभी मुझे इतनी ज़्यादा साइंस आती नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। गोल्ड का जो इसका कलर है अमेजिंग नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो सीन है ना इसका देखे क्या जबरदस्त। यहाँ पे ये देखें ना कंट्रीज़ का बताया हुआ है कि ये देखें इंडिया हो गया, चाइना, यूरोप, जापान, सोवियत यूनियन, जर्मनी, यूएसए स्पेस टेक्नोलॉजी रखते हैं जो जो कंट्रीज़, ये उनके वो स्पेस शटल हो गए। और आगे ये जो रॉकेट्स वगैरह जो आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा ये वाला जो फैब्रिक है, ये वाला वो फैब्रिक होता है जो इसका सूट वगैरह और इसके अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, वो अमेजिंग चीज़ है यार। इधर आके दिमाग की ना ऐसे बत्ती ऑन हो जाती है, फुल ऑन। यार ये इतना बड़ा म्यूज़ियम है ना कि मुझे ख़ुद नहीं पता चल रहा कि मैं कौन से फ्लोर पे किधर किधर क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ। अच्छा ये वो कैमरा है जिससे गैलेक्सी की फ़ोटोज़ और हैवी किस्म की जो हम तस्वीरें देखते हैं ना, चांद की, सूरज की और गैलेक्सीज़ की, ये वो कैमरा है जिससे तस्वीरें खींची जाती हैं। भाई यार ये देखें ना कितने इसके अंदर वो लेंस लगे हुए हैं। इसके लेंस आप चेक करें, ऊपर, नीचे और दूसरी साइड पे, राइट एंड लेफ्ट, पता नहीं क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, क्या टेक्नोलॉजी है। वो जीस लिखा हुआ ना, वो कार्ल जीस जो कंपनी है उसने बनाया हुआ, ये अमेजिंग है यार। ये पता नहीं अब इतनी मुझे तो नॉलेज है नहीं,
लेकिन ये है कि देख के बंदा एक दफ़ा तो हिल जाता है कि यार ये किस तरह से ऑपरेट होता होगा, क्या इसके अंदर टेक्नोलॉजीज हैं और किस तरह ये काम करता है। सुपर अमेजिंग, स्पीचलेस, माइंड ब्लोइंग है यार, अमेजिंग। अब ये देखें यहाँ पे इसके वो डिटेल वगैरह है, ये तो मुझे तो पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, किसी को भी नहीं पता। जो एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना बनाने का इनका मकसद ये है कि ये देख के बंदे का जो है ना वो बच्चों का स्पेशली दिल करता है कि यार हम भी सीखें। अब ये देखिए ये क्या बना हुआ है, ये किस चीज़ का है, ये मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। और अब देखें ये कैसे इन्होंने नीचे भी देखें सारी, कुछ ना कुछ तो इसका पर्पज़ है। अब अगर आपको पता हो तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, जिस जिसको जो जो चीज़ का पता हो, नॉलेज हो, शेयर करें लोगों के साथ भी। ये देखें ये क्या चीज़ है, अमेजिंग यार, टेक्नोलॉजी का जो है ना एंड है यार, जापानियों ने एंड कर दिया, कसम से दिमाग को घुमा दिया, मेरा तो ऐसे ना वो घुमा हुआ दिमाग, क्या करूँ समझ नहीं आ रही। ये देखें कितना बड़ा ये हॉल बना, ये वो राउंड साइज था ना बाहर से नज़र आ रहा था, ये उसके अंदर हूँ अभी मैं। ये सारी चीज़ें जो भी आपको नज़र आ रही है ना, ये है साइंस, ये है टेक्नोलॉजी। अच्छा ये वो वाली चीज़ है जो अपना स्पेस के अंदर जाती है ना, तो क्या ये माइक्रोस्कोप है अपना, क्या स्कोप है, किसको क्या कहते हैं इसको। ये देखें जी ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, घूम रहा है ये चांद। इसके नीचे ये इसका ज़मीन का वो बनाया हुआ है, रॉकेट जब नीचे से ये लॉन्च होता है। ये देखें अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये सारे बटन्स लगे हुए ना, ये सारे इंसान के ऑर्गेन्स हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स। अभी देखें ये मैं अगर इस वाले बटन को दबाऊंगा ना, तो वो देखें उसका जो ये देखें इसको दबा रहा हो ना, तो वो उसके गले के अंदर जो है ना, वो बायोलॉजी तो मुझे आती ही नहीं है शुरू से ही, तो वो इसको दबाने से ये देखें कोई अलग बटन दबाऊँगा तो इस तरह से इसके ऑर्गेन्स जो है ना वो मुझे ब्लिंक करके बता रहे हैं कि ये फलां ऑर्गेन्स हैं। बच्चे जो है ना इधर आके प्ले करते हैं, खेलते हैं और उनको पता चलता रहता है कि ये फलां ऑर्गेन है और किस जगह पे है, वो फीमेल का था, ये मेल का है। मेल के भी इसी तरह से इन्होंने ना ये देखे बटन लगे हुए हैं, इसको आप ऐसे दबाएंगे तो ये अपना बटन्स को दबाने से जो है ना वो आपको पता चलता है कि इसके ऑर्गन्स कौन सा ब्लिंक कर रहा है। ये भाई सब लेट रहे हैं इधर,
ये देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल किस तरह से वो सारे मूव कर रहे हैं। रोबोटिक सेक्शन, ये डेंसो कंपनी है बहुत बड़ी, कंप्यूटर और रोबोट्स वगैरह बनाने वाली। ये मदरबोर्ड पड़ा हुआ है बी स्टार्ट, तो ये देखें ये बटन लगा हुआ है, इसको मैंने स्टार्ट किया तो ये शुरू हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने कहा जी ए बना के दिखाया मुझे, ठीक है ये बनाना शुरू कर दिया इसने। नीचे ये देखें सोलर सिस्टम, एयरपोर्ट और पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये देखें ना यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। चल भाई वो ट्रेन स्टार्ट हो गई, वो ट्रेन लेके जा रहा है ऊपर, ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये है डेवलपमेंट ब्रो, नीचे देखें, नीचे भी जो है ना वो सारा आपको नज़र आ रहा है। ये ट्रेन वो जा रही है, इधर आ गई, वो देखें किस तरह से इन्होंने सिटीज़ को डेवलप किया हुआ है। ये नगोया सिटी का एक मैप है, जिस सिटी में मैं रहता हूँ ना नगोया सिटी में, ये उसका मैप है। ये देखें वो ट्रेन जा रही है, ये ऊपर भी हाईवेज ट्रेन और ये वो सारा सिस्टम बना हुआ है। और इस साइड पे ये देखें ये एयरपोर्ट आ गया नगोया का, वो शूटिंग लाइन आ गई और ये ट्रेन दोबारा वापस आ गई इधर। ये देखो ये यहाँ की बुलेट ट्रेन है शिंकानसेन, वो इधर से भी एक ट्रेन आ रही है, वो देखें। ये ट्रेन की रेवोल्यूशंस आ गई, ये देखें यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है। ये होते थे वो एक्सटर्नल कम्बशन इंजन जिनके अंदर बाहर से कोयला लगता था, ये कोयले वाला ट्रंक है इसके अंदर कोयला जलाते थे फिर वे चलता था। और ये आ गई रेवोल्यूशन, ये देखते जापान की ये सारी ट्रेन्स हैं, ये इस तरह से रेवोल्यूशन हो गए, इस तरह की ये इन्होंने बुलेट ट्रेन्स वगैरह बना ली। बच्चा खेल रहा अभी देखे ना ट्रेन चला रहा है, जो गेयर्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, गेयर्स का स्टाइल देखें गरारियों का। इधर से इसको मूव करेंगे तो ये यहाँ से मूव हो रहा है, वो जो क्रेन वाला सिस्टम होता है ना कि हैवी हैवी जो वो उठा लेते हैं इस तरह से ऊपर की तरफ, ये वो सीन है। यहाँ पे ये मशीन लगी हुई है ब्रदर वालों की, ये देखिए सारी की सारी जो मशीन है ये कंप्यूटराइज्ड है, अमेजिंग चीज़। ये इसने ये सारे डिज़ाइन बनाए हुए हैं सारे ऊपर ऑटोमेटिकली। ये ऊपर से व्यू चेक करें, नीचे पहले हम गए थे ना ये पानी वाला सीन आपको चेक करवाया था भाई, जापान जापान ही है हमें, मैं आपको कहूँ कि ये देखिए अभी ये क्या है, क्या सीन है यार। अच्छा ये टाइम पीस है, क्लॉक है, ये ऑटोमेटिक क्लॉक नहीं होता जो, इसका साइज चेक करें कितना बड़ा। यहाँ पे इसको ऐसे चाबी दे रहा हूँ, इधर से चाबी दे के छोड़ दें और ये चलता रहेगा इस तरह से ऑटोमेटिक जो क्लॉक होते हैं वो। ये इसको बनाने का यहाँ पे ये सारे इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं, इसका डिज़ाइन ये वो सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। इधर क्या है, हर हर सेक्शन ही जो है ना वो यूनिक है, अमेजिंग। यहाँ पे इनके घरों के डिज़ाइन, तो जापानी लोग जो है ना वो अपने घरों का स्टाइल किस तरह से रखते हैं। नेचर आ गई है, यहाँ से अंदर जल्दी चले जाते हैं नीचे से ना। वाह ये देखो, ये क्या है टोर्नाडो, अमेजिंग। अच्छा जी ये अभी हम इसके अंदर आ गए हैं, ये देखिए इसकी सीट्स वगैरह
स्पेस के अंदर आ गए भाई जी, स्पेस के अंदर। ये ऊपर देखें पूरा स्पेस वाला सीन है। ये डॉट्स जो है ये आपको डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, कितना ज़बरदस्त इन्होंने ये बनाया हुआ है, बहुत अमेजिंग है यार। इसके अंदर आप सीट्स की देखें, फुल था ये, फुल कितनी सीट्स लगी हुई हैं, किस तरह से ये इन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है। और आपको जो है ना वो आसमान जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, बड़ा ज़बरदस्त फिनोमिनल अमेजिंग सीन था, माइंड ब्लोइंग एक्चुअली। इसके अंदर जो है ना जब शो स्टार्ट हो रहा होता है ना तो अब आप बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बड़ी खामोशी होती है और वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो अभी ये ख़त्म हो गया हुआ शो, इसके ऊपर जो है ना इस तरह से ये सारा स्टार्स और गैलेक्सीज और इसकी जो स्पेस के अंदर जो वो डिस्कवरीज करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन की है इसके अंदर इसने। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा, बाय बाय।